आलू लिए हैं, ये तकरीबन 1 किलो से ज्यादा है, बहुत बड़े आलू है। इनको हम उबाल लेंगे और उसके बाद इसके अंदर जो 3 इंच 4 इंग्रेडिएंट्स पड़ेंगे वो मैं आपको दिखाती हूँ। पहले ये आलू उबाल लूँ और साबुदाना निथार कर रख लूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। अस्सलाम वालेकुम, आज हम बनाने जा रहे हैं आलू के पापड़। एक्चुअली मैं आलू के मुरकुल बनाने वाली थी जैसे कि मैंने आपको बताया था, लेकिन मेरी जो मशीन है ना वो मिल नहीं रही है, तो मैंने उसके लिए मुरकुल के लिए 3 आलू उबाल लिए थे। 1 किलो से थोड़ा ज़्यादा है, ये 1.25 किलो के आसपास होंगे ये आलू। बड़े बड़े 3 आलू मैंने बॉईल कर लिए हैं और ये साबुदाना जो है 1.25 किलो साबुदाना रात में मैंने भीगने के लिए रखा था और अभी सुबह में उसको निथारने के लिए रखा है। ये देखिए पूरा अच्छी तरह से सूख गया है। ये मैंने मुरकुल के लिए किया था लेकिन मेरी मशीन अब मिल नहीं रही है, इसलिए हम इसके पापड़ बनाएंगे। तो हम क्या करते हैं, पहले आलू को छील कर उसको मसल लेते हैं और ये जो साबुदाना है इसको हम बॉईल करने के लिए रख लेंगे और इस तरह से हम ये साबुदाना बॉईल होने के बाद इसके पापड़ बनाएंगे। तो चलिए मैं साबुदाना बॉईल करने के लिए रखती हूँ और जो जो मसाला इसमें डालना है वो दिखाकर आपको पापड़ बनाने की प्रोसेस दिखाती हूँ। ये पापड़ जो है आप घर में छांव में भी सुखा सकते हैं। ये देखिए मैंने 3-3.5 लीटर के करीब पानी उबलने के लिए रख दिया है गैस पर। ये हमारा साबुदाना है निथरा हुआ और ये आलू है। अब मैं आलू को अच्छे से मैश करके लूंगी और इसमें हमको सामान जो जो डालना है वो आपको दिखाती हूँ। ये देखिए पानी हमने उबलने के लिए रख दिया था, 3-3.5 लीटर के करीब पानी है। हम इसमें जो मसाला डालेंगे वो मैं यहाँ दिखा देती हूँ आपको। 4 चम्मच नमक है, 1 चम्मच जीरा है, 1 बड़ा चम्मच लाल मिर्च, 1 चम्मच हल्दी और 1/2 चम्मच काली मिर्ची की पाउडर है। यह हरी मिर्ची कोथमीर का मसाला है, आप डायरेक्ट पीस कर भी डाल सकते हैं, मेरे पास क्यूब अवेलेबल है, मैं ये डाल रही हूँ। और 1 चम्मच मुझे लहसुन की पेस्ट भी इसमें डालनी है, वो मैं लेती हूँ। पहले आपको दिखाती हूँ डालकर। सबसे पहले हम इसमें नमक और जीरा डाल देंगे पानी में। पानी को जब बहुत अच्छे से बॉईल आएगा उसके बाद ही हमको इसमें आलू वगैरह डालना है। अभी हम इसमें तकरीबन 1 बड़ा चम्मच इतना तेल डालेंगे, ज्यादा नहीं, 1 बड़ा चम्मच इतना तेल डालेंगे और इस पानी को अच्छे से बॉईल आने देंगे। ठीक है, तब तक मैं आलू मैश कर लेती हूँ जब तक इसको बॉईल आता है और फिर आपको दिखाती हूँ अगला प्रोसेस। आलू मैंने मैश कर लिए और ये देखिए पानी भी अच्छी तरह से बॉईल हो गए हैं। अब हम इसमें पहले मसाला डालेंगे और फिर उसके बाद आलू डालेंगे। ये देखिए मसाला, मैंने कहा था ना आपको 1 चम्मच मैं लहसुन का पेस्ट भी लूंगी, काली मिर्च है, हल्दी, लाल मिर्च और हरी मिर्च। ये मसाला डालकर हमको अच्छे से हिला लेना है पहले, उसके बाद हम आलू डालेंगे। आप इस वक्त चाहे तो नमक थोड़ा सा चख सकते हैं, नमक थोड़ा सा तेज ही होना चाहिए और इसमें पापड़ खारा वगैरह डालने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये आलू से बन रहा है, तो इसमें पापड़ खारा हमको नहीं डालना है। अभी इसको हमने अच्छे से मिला लिया है, नमक में चेक कर लेते हैं, अगर नमक हमको कम लगे तो इस वक्त थोड़ा सा हम नमक डाल सकते हैं। अब इसमें हमको साबुदाना डालकर बॉईल करना है, बहुत ही अच्छे से बॉईल करना है और जब साबुदाना पक जाए कांच की तरह ट्रांसपेरेंट दिखने लगे तो उसके बाद हमको आलू डालना है। तो चलिए हम इसमें साबुदाना डाल देते हैं। देखिए साबुदाना हमने इसमें डाल दिया है, अब हम आंच को फुल करके इसको चलाते रहेंगे जब तक के साबुदाना अच्छी तरह से पक ना जाए। 5 से 10 मिनट लगेंगे लेकिन साबुदाना अच्छी तरह से पक जाएगा और फिर ये पानी जो है ये एकदम जेल फॉर्म में हमको दिखने लगेगा। आप इसमें कोई और रंग भी डाल सकते हैं अगर आपको इसको और खूबसूरत बनाना है, तो ये ऑरेंज थोड़ा येलो येलो ऑरेंज कलर का बनेगा क्योंकि इसमें हरा मसाला और हल्दी है, लेकिन अगर आपको मजीद कोई और कलर चाहिए तो आप इसमें रंग भी डाल सकते हैं आर्टिफिशियल। अभी हम इसको अच्छे से पकने देंगे 10 से 15 मिनट तक, जब अच्छे से गल जाएगा, गाढ़ा हो जाएगा, तब हम इसमें आलू डालेंगे। तो चलिए मैं इसको पकाती हूँ, इसको कंटिन्यू हिलाना है ताकि नीचे लगे नहीं, कंटिन्यू हिलाते हुए इसको पकाना है। ये देखिए कितनी अच्छी तरह से साबुदाना उबल रहा है,
फूल भी गए हैं वो, क्योंकि रात भर का भीगा हुआ है ना, तो बहुत अच्छे से फूलेगा इंशाल्लाह, बहुत अच्छे पापड़ बनेंगे। बच्चों की फरमाइश आई है कि केसरी रंग डालूँ, तो मैं इसमें आधा चम्मच केसरी रंग डालती हूँ। ये देखिए मैंने इसमें केसरी रंग डाल दिया है, और इसको बहुत ही अच्छी तरह से हम लोग हिला लेंगे। इसको हमको 10 से 15 मिनट तक पूरा अच्छी तरह से बॉईल होने देना है। ये देखिए साबुदाना पक रहा है, आप देख रहे हैं कुछ कुछ साबुदाना ट्रांसपेरेंट होने लगेगा। जब इस तरह से पूरा साबुदाना ट्रांसपेरेंट हो जाएगा और ये जो लिक्विड है ये गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा, तब हम इसमें आलू डालेंगे, तब तक हम इसमें आलू नहीं डालेंगे। तो चलिए थोड़ी देर इसको मजीद उबलने देते हैं, ध्यान रहे इसका उबाल ना जाए, इसलिए इसको कंटिन्यू हिलाते रहना है। ये अभी चिटकता नहीं है, आलू डालने के बाद इसका चिटकने का डर होता है, फिर भी हमको इसको हिलाते रहना है। ये देखिए 5 मिनट हो गए हैं सिर्फ, और ये देखिए तकरीबन जो साबुदाना है वो ट्रांसपेरेंट हो गया है, एक दो बाकी है, तभी हम और मजीद 5 मिनट पकने देंगे। और ये देखिए पानी भी थोड़ा सा अपना गाढ़ा होना शुरू हुआ, जब पानी अच्छे से जेल टाइप होने लगेगा, गाढ़ा गाढ़ा होने लगेगा, तो हम इसमें आलू डाल देंगे, क्योंकि आलू डालने के बाद हम ज़्यादा इसको नहीं पका सकते। और फिर साबुदाना बिना गला हुआ हो ना, जब हम तलते हैं ना तो वो कच्चा रह जाता है, जब पापड़ फ्राई करते हैं तब, इसलिए हमको ये जो जो भी साबुदाना भी ऊपर बाकी है ना पतला वाला, ये देखिए जो सफ़ेद सफ़ेद है, ये भी ट्रांसपेरेंट हो जाए तब तक हम इसको पकाना है। जब ये पूरा ट्रांसपेरेंट हो जाएगा तब हम इसमें आलू डालेंगे। आपको जो भी मसाला पसंद है, जैसे कि लाल मिर्च, किसी को पसंद है तो हरी डाल सकते हैं, किसी को पसंद है तो काली, सिर्फ काली लाल काली मिर्ची के पाउडर और लाल मिर्ची के पाउडर डालकर भी बहुत टेस्टी बनता है ये। कोई हरा मसाला डालते हैं, कोई नहीं डालते। और अगर आपको चाहिए तो आप इसमें तिल भी डाल सकते हैं, व्हाइट वाले जो तिल है ना वो बहुत अच्छे लगते हैं तलने के बाद, मैं हमेशा डालती हूँ, मेरे पास अभी अवेलेबल नहीं है इसलिए मैंने नहीं डाली हूँ। पुरोड़ी, पापड़, चिप्स, आलू के मुरकुल, मैं मशीन ढूंढ के निकाल के रखूंगी, आलू के सेवैयाँ, टोमेटो के सेवैयाँ, ये बहुत सारी चीज़ें मैं आपको जो गर्मियों के पकवान होते हैं जो हमारे इधर मराठवाड़ा में साल भर के लिए बना के रखते हैं, पापड़ अचार वगैरह, मैं इंशाल्लाह सब की रेसिपी एक करके शेयर करूंगी। अगर आपको पसंद आए तो ज़रूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। अगर आपको कोई नई रेसिपी जाननी है तो मेरे इस पर कमेंट करें। ये देखिए तकरीबन हमारा पानी, हाँ देखिए करीब करीब होने आया मसाला, और ये बहुत ही अच्छे से जेल फॉर्म में ये हो रहा है। और ये देखिए कितने अच्छे से हमारे साबुदाने बॉल्स बन गए। अभी भी हमको एक दो सफ़ेद नज़र आ ही रहे हैं। देखिए जब ये पूरे इस तरह से कांच के बॉल्स की तरह लगने लगेंगे तब हम इसको आलू डाल देंगे इसमें। ये देखिए नज़दीक से देखे तो देखिए कांच के बॉल की तरह ये आपको दिखाई देंगे। जो अभी तक कच्चे हैं वो पूरे पक जाएंगे, उसके बाद ही हम इसमें आलू डालेंगे। ये देखिए बहुत अच्छे से ये गाढ़ा होना शुरू हुआ है। जैसे हमारे को ये दो चार जो ऊपर दिख रहे हैं सफ़ेद सफ़ेद ये दिखना बंद हो जाएंगे, हम इसमें आलू डाल सकते हैं। आलू चूंकि उबले हुए हैं इसलिए हम इसको डालने के लिए गड़बड़ नहीं कर रहे हैं, आराम से हम लोग इसको डालेंगे। ये देखिए इस तरह से साबुदाने ये देखिए कितने अच्छे से तैयार होते हैं। ये देखिए बहुत ही अच्छे से पूरे के पूरे बॉईल हो गए। ये देखिए बिल्कुल साबुदाना ये हो गया अच्छे से और गाढ़ा भी होना शुरू हो गया है। तो अब हम इसमें आलू डाल देंगे। आलू डालकर मैं थोड़ा सा घोट लेती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए आलू मैंने इसमें डाल दिया है, अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, क्योंकि हमने आलू मैश किया हुआ है इसलिए इसमें तो सिर्फ हमको अच्छे से इसको मिक्स करना है, कंटिन्यू घोटते हुए हमको इसको मिक्स करना है। अगर आपके पास बीटर है तो बहुत अच्छा है, उससे आप जल्दी से इसको बीट कर ले सकते हैं। मेरे पास चूंकि बीटर नहीं है इसलिए मैं इस तरह लकड़ी से ही बीट कर रही हूँ, इसलिए मैं इसको अच्छे से मिक्स करती हूँ फिर बताती हूँ, क्योंकि घोले बन जाएंगे ना तो फिर पापड़ अच्छे नहीं होते। तो मैं पूरा अच्छी तरह से घोट कर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए इसको मैंने चम्मच की मदद से ही बहुत ही अच्छी तरह से ये कर लिया है, अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब एक आध भी चंक इसमें होगा ना तो जब हम पापड़ डालते वक्त वो हो जाएगा डिजोल्व, क्योंकि हमने इसको मैश करके लिया हुआ है और ये आलू जो चिपक कर साथ में आए वो मैश हुए हुए हैं ऑलरेडी,
पीसना नहीं हमको, खुद से अलग हो जाएगा हिलाते हिलाते। और ये देखिए बहुत ही अच्छे से गाढ़ा हो गया है ये मिश्रण। और ये मिक्सचर का कैसे अब ये उड़ना शुरू हुआ है, इसमें जो तेल और साबुदाना है ये उड़ना शुरू है। इसका मतलब है कि इसमें पानी अब कम होता जा रहा है। तो हम इसके ऊपर ढककर इसको 10 मिनट दम पर पकाएंगे ताकि ये हमारे आंख पर ना उड़े। और जब बिल्कुल गाढ़ा गाढ़ा हो जाएगा ना तब हम इसके पापड़ डालेंगे। तो 10 मिनट के लिए हम इसको ढककर पकाएंगे, बीच बीच में हम इसको खोलकर थोड़ा हिलाते रहेंगे, लेकिन ध्यान रखें कि हाथ पर उड़े नहीं। ये देखिए बहुत ही अच्छे से हमारा ये बैटर तैयार हुआ है। इससे ज़्यादा हमको घट नहीं करना है क्योंकि पापड़ फिर मोटे मोटे हो जाएंगे। पतले पतले हमको पापड़ डालने हैं जो कि तलने के बाद फूल जाते हैं, इसलिए इतना लिक्विड अभी जो गाढ़ा हुआ ये काफ़ी है। अभी हम इसके पापड़ बनाने के लिए लेंगे। आप कोई भी पॉलीथीन या बटर पेपर पर मीठा तेल लगाकर उस पर इस तरह के गोल वाले चम्मच से अपने हिसाब से पापड़ डालने। मैं ये एक चम्मच से एक एक चम्मच इससे एक एक पापड़ डालती हूँ। तो चलिए बटर पेपर वगैरह लगा कर तैयार करते हैं और फिर वहाँ पर आपको पापड़ किस तरह से डालना है वो बताते हैं। इसकी एक ख़ास बात यह है कि इसको धूप में डालने की ज़रूरत नहीं, आप इसको घर में पंखे के नीचे भी सुखा सकते हैं। सिर्फ ऐसी जगह जहाँ पर हवा आती हो वहाँ पर इसको रखें और मीठा तेल लगाना ना भूलें। बटर पेपर हो या पॉलीथीन हो उस पर मीठा तेल लगाना ना भूलें। इस तरह से जब वो सूख जाएंगे तो निकालने में आसानी होती है। इन पापड़ों को कपड़े पर बिल्कुल ना डालें क्योंकि चिपक जाते हैं। फिर जब हम दूसरी साइड से गीला करके जैसे चावल जवार वगैरह के पापड़ निकालते हैं गेहूं के, तो उसको जब निकालने की कोशिश करते हैं ना तो फिर ये टूट जाते हैं, इसलिए इसको प्लास्टिक या फिर बटर पेपर पर ही डालें। ये देखिए मैंने इसमें निकाल लिया छोटे बर्तन में। अब हम पापड़ डालते हैं और आपको दिखाते हैं। ये देखिए इस तरह मैंने बटर पेपर के ऊपर मीठा तेल लगा लिया है। अब हम इसमें एक एक चम्मच से पापड़ डालेंगे, इस तरह से इसको गोल गोल शेप देना है। तलने के बाद ये पापड़ बहुत मोटे होते हैं इसलिए हमें इसको ज्यादा मोटा नहीं बनाना है, पतला ही बनाना है। थोड़ी देर के बाद ये सूख कर ठंडे हो जाएंगे। दूसरे दिन हम इसको पलट कर दूसरी साइड से सुखाएंगे। इस तरह से आपको अपने हिसाब से जिस डिजाइन के जिस साइज के दाने में पापड़ डाल सकते हैं। इसी तरह मैंने घर में ही, ये देखिए धूप भी नहीं है अभी तो शाम का वक्त है, मैंने बना लिया है। इस तरह से बटर पेपर को तेल लगा कर रख लिया है। आप इस तरह घर के अंदर ही इसको बना सकते हैं और फिर दूसरे दिन अगर धूप में जगह मिले तो इसको सुखा लें। ये देखिए इस तरह से हमारे साबुदाने के पापड़ अभी डाल कर हुए, अभी एक साइड से सूख जाएंगे तो हम इसको पलट देंगे और फिर कल इसको अगर टाइम मिला सुबह में धूप मिली तो धूप में सुखाएंगे और फिर जब तैयार होंगे तो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।